आज बहन जी का 66वां जन्मदिन है और हमने 66 किलो का केक काटा है बहन जी की जन्मदिन की खुशी में। ठीक है, आपकी क्या तैयारी है क्षेत्र में? भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मनिंदर पाल को यहाँ घोषित कर दिया है, तो किस तरीके की रणनीति रहेगी भाजपा से निपटने की? कैमरा देख के बात करिए। भाजपा से निमटने की क्या नीति है? वो तो वे भी अपना चुनाव लड़ेंगे, हम भी अपना चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हल्ला करती है मुस्लिम एजेंसी होने का, हाँ लेकिन टिकट उस स्तर पर नहीं दिए हैं जितने जितने टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी हितैषी है। समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही है कि मुस्लिम जो हैं ये हमने खरीद लिए हैं, चाहे हम मुस्लिम को टिकट भी ना दें, मुस्लिम वोट देंगे। बुढ़ाना सीट पे 1,35,000 मुस्लिम हैं, वहाँ टिकट अदर को दे दिया। हमारी सिवाल विधानसभा सीट पे 1,15,000 से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं, यहाँ टिकट अदर को दे दिया। तो समाजवादी पार्टी या गठबंधन तो ये महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिमों को एक भी टिकट ना दिया था। मुजफ्फरनगर में 5 विधानसभा हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले में 5ों विधानसभाओं में एक भी मुस्लिम को देने को तैयार नहीं है। बहन जी मुस्लिमों को खूब टिकट दे रही हैं, बहन जी मुस्लिम हितैषी हैं, समाजवादी मुस्लिम हितैषी कहने के नाटक करते हैं, आज हम बात समाजवादी वाले कहाँ करेंगे। मुस्लिम हितैषी हैं। अच्छा, एक बड़ा मुस्लिमों में देखने को मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं वो आजम खान की बड़ी कर रहे हैं, आजम खान नहीं है, उनको कमी खल रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आजम खान बाहर होने चाहिए थे, लेकिन इतने बड़े दल में होने के बावजूद भी उनकी कोई पैरवी करने को खड़ा नहीं है? आजम अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी है तो मुस्लिम का बड़ा चेहरा थे आजम खान, तो उनकी पैरवी क्यों नहीं करी उन्होंने? कहाँ पैरवी करी उनकी, ना उनका नाम भी नहीं लेते, उनका फोटो भी हटा दिया। कहाँ मुस्लिम हितैषी है? मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान समाजवादी के लीडर भी हैं, समाजवादी पार्टी उनकी कदर भी करती थी जब वे बाहर थे। अब कहाँ उनका हित कर रही है समाजवादी पार्टी? कहाँ अखिलेश जी कहाँ बोलते हैं उनके बारे में?